नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीवन चक्र कुंती आरकर्ण शिव और नंदी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? जीवन चक्र कुंती और कर्ण शिव और नंदी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, यामिनी राय, शारदा चरण वकील या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शारदा चरण वकील। तो ये प्रसिद्ध चित्र किसके हैं? शारदा चरण वकील के हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है? राष्ट्रकूट या होयसल या पल्लव या चोल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पल्लव। तो प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुआ पल्लव के शासन काल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, याजी क्या है? गर्भगृह, द्वारपाल, मंदिर विमान या आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, याजी शब्द जो है वो भारतीय मंदिरों में देवी देवताओं से संबंधित जो जानवर या पशु बनाए जाते हैं उन्हें याजी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, चावरधारण यक्षिणी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा में, कोणार्क में या दीदारगंज पटना में या मथुरा में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीदारगंज पटना में। अगला प्रश्न है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है सुरजन, साहबदीन, उत्कल राम या दयाराम। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, उत्कल राम। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के रथ में कितने घोड़े खींच रहे हैं? कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? ऑप्शन है 12, 7, 6 या 17। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? ऑप्शन है जगन्नाथ, खजुराहो, सूर्य मंदिर या विष्णु मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा गोंडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर या 64 योगिनी मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या महाराष्ट्र। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? सूर्य मंदिर, विमल शाह मंदिर या लक्ष्मण मंदिर या पार्श्वनाथ मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विमल शाह मंदिर। अगला प्रश्न है, पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है भीमरथ, महाबलीपुरम,
कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, या सूर्य मंदिर महाबलीपुरम, या बैकुंठ पेरुमल कांचीपुरम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज़ से बनी है? चांदी से, ग्रेनाइट से, पीतल से, या सीमेंट से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीतल से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? ऑप्शन है कन्या प्रोटेक्ट, या श्रम की जीत, डांडी मार्च, या संथाल परिवार? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संथाल परिवार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पुरुष महिला और पेड़, पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? ऑप्शन है के लक्ष्मा गौड़, कृष्णा रेड्डी, विकास भट्टाचार्य, या जयंत पारिक? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के लक्ष्मा गौड़। अगला प्रश्न है, इन्हें आपस में मिलाएं, नीली कुमारी, एस पाल, तैयब मेहता, राजा रवि वर्मा? इधर दिया गया है फोटोग्राफर काली, जयपुर, या ग्लैस की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नीली कुमारी जयपुर से संबंधित हैं, एस पाल फोटोग्राफर हैं, तैयब मेहता ने काली नामक पेंटिंग बनाई है, और राजा रवि वर्मा ग्लैस की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने कुड़ाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? ऑप्शन है के सी एस पणिकर, विनोद बिहारी मुखर्जी, अनुपम सूद, या तैयब मेहता? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया, और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? ऑप्शन है सोमनाथ हौरे, रामकिंकर बैज, अनुपम सूद, या कृष्ण रेड्डी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्ण रेड्डी। अगला प्रश्न है, मकड़ी और दीपक के बीच चित्रकला का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है अकबर पद्मसी, एफ एन सूजा, सनतकर, या एम एफ हुसैन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति का निर्माण किया? ऑप्शन है बी रमेश ने, या नाली मालनी ने, चिंतन उपाध्याय ने, या वासन कुल्लूरी ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बी रमेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21, अभिकथन है और कारण है। अभिकथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। कारण है, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है, तीसरा विकल्प है ए गलत है, आर सही है, और चौथा विकल्प है ए गलत है, आर गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने आजकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है, और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? जैमिनी राय, नंदलाल बोस, ज्योति भट्ट, या अमृता शेरगिल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैमिनी राय। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, या विनोद बिहारी मुखर्जी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 1780 से 85 के मध्य चित्रित चित्र भरत राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित है? गुलेर, चंबा, कांगड़ा, या गढ़वाल?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गुलेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम क्या है? आशित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, अवेंद्रनाथ टैगोर या क्षेत्रेंद्र नाथ मजुमदार? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, कालीघाट पटचित्र इसके द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताएं। कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है ए आर चुगतई, अमृता शेरगिल, आशित कुमार हल्दार या जेमिनी राय? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जेमिनी राय। कालीघाट शैली से प्रेरित कलाकार जेमिनी राय है। अगला प्रश्न है, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, सैयद हैदर रजा या क्षितिंद्र मजुमदार? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यामिनी राय। अगला प्रश्न है, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है डब्ल्यू सी आर्चर या हर्बर्ट रीड, मुल्कराज आनंद या सिस्टर निवेदिता? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न है, किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन है अतिअलंकृत रोककला या पुनर्जागरण का रेनेसांस काल या व्यवहारिक वैचित्रिक मैरिज्म या नव श्रेणीवाद नियो क्लासिसिज्म? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नव श्रेणीवाद नियो क्लासिसिज्म। अगला प्रश्न है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए नामक मुगल कालीन चित्र किस शासक के समय का है? ऑप्शन है गुलेर, अकबर, शाहजहां या हिमाऊ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या अवेंद्रनाथ टैगोर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? ऑप्शन है आर एन टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या गंगेन्द्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। पाश्चात्य संयोजन यथार्थवाद का प्रभाव राजा रवि वर्मा के चित्रों में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। पंजाब में शांति घोषित नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है अवनी बाबू, रविंद्र बाबू, गंगेंद्र बाबू या रविंद्र बाबू? सही होगा ऑप्शन सी गंगेंद्र बाबू। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? के हैबर, दामिनी राय, राजा रवि वर्मा या राम कुमार? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया। ऑप्शन है मेवाड़, कांगड़ा, बसोहली या जयपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बसोहली। अगला प्रश्न देखते हैं, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? निहालचंद, मोलाराम, मानकू या नयन सुख? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नयन सुख। अगला प्रश्न देखते हैं, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब, मुंबई, राजस्थान या दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या जापानी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कांगड़ा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ओशी गांगुली, डब्ल्यू जी आर्चर या एम एस रंघवा या ए के कुमार स्वामी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी
एम एस रंघवा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मन को किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है, राजस्थानी, मुगल, कांगड़ा या बसोली। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र भूमि जोतता किसान भारतीय कृषक किसका चित्र है, नंदलाल बोस, आशित कुमार हल्दार, राजा रवि वर्मा या अमृता शेरगिल। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है, कुलंतपीठ, रसाजनी, मेवाड़ या बूदी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुलंतपीठ। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी, ऑप्शन है नायक नायिका भेद, रामायण या रीत व भक्त कवियों, या चौथा ऑप्शन है महाभारत। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नायक नायिका भेद। अगला प्रश्न देखते हैं, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताएं जिन्होंने जयपुर को बसाया था, ऑप्शन है राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या महाराजा ईश्वर सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, स्वर्णपुरी द्वारिका किसका प्रसिद्ध चित्र है, छितेंद्रनाथ मजुमदार, शारदा चरण उकील, गंगेन्द्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए किस भारतीय चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन है रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद, अमरनाथ सहगल या सोमनाथ होरे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है, ऑप्शन है दारा जोधपुर, नूरदीन बीकानेर, शाहबद्दीन मेवाड़ या निहाल चंद किशनगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दारा जोधपुर। अगला प्रश्न है, उस्ताद खाली स्थान है द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई, ऑप्शन है शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन या हसन रजा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रुकनुद्दीन। उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लोक चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, निहाल चंद निम्न में से किस शैली का चित्रकार था, ऑप्शन है किशनगढ़, बसौली, कांगड़ा या मेवाड़। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन है इरिक न्यूटन, इरिक डिकेंसन या इरिक गोल्डस्टोन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इरिक डिकेंसन। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं इरिक डिकेंसन। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।